दोस्तों, यदि आप भी 2024 में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो बहुत ही बढ़िया मौका है, क्योंकि आप देख सकते हैं नई सरकार बन चुकी है और सरकार ताबड़तोड़ काम करना शुरू कर चुकी है। 10 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ऑफिशियल उनके ट्विटर हैंडल अकाउंट पर बताया गया कि अब की बार लगभग देश भर में 3 करोड़ नए प्रधानमंत्री आवास योजना घर दिए जाएंगे। तो अगर आपके पास भी घर नहीं है, आप भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। जैसा कि मैं देख सकते हैं, डायरेक्ट मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो ट्विटर हैंडल अकाउंट पे जो ट्वीट किया गया था 10 जून को, आपको पता है दोस्तों 9 जून को शपथ हुई है नई सरकार की और 10 जून को ही बहुत ताबड़तोड़ से काम शुरू कर दिया गया है। अब की बार यहाँ पर देखिए, इसमें बताया गया है कि लगभग 3 करोड़ दोस्तों घर, नए घर यहाँ पर आपको बनाए जाएंगे 3 करोड़ पूरे देश भर में, आप ये ट्वीट करके बताया गया है। जैसा कि देख सकते हैं, द कैबिनेट हैज डिसाइडेड टू फर्दर एक्सपेंड द प्रधानमंत्री आवास योजना एंड कंस्ट्रक्ट 3 करोड़ एडिशनल रूरल गवर्नमेंट्स कमिटमेंट टू द एड्रेसिंग द हाउसिंग नीड। तो जैसा कि यहाँ पर बताया गया कि लगभग 3 करोड़ दोस्तों नए घर इस साल, मतलब कि इस सरकार में बनने हैं, तो कैसे आपको लाभ मिलेगा, इसके लिए मैंने एक डिटेल आर्टिकल लिखा है। दोस्तों डिटेल आर्टिकल कैसे आपको देखना है वो मैं आपको बता दूं। आपको लिखना है पीएम आवास योजना 2024 और इसका झागड़े न्यूज़ ज़रूर लिख देना है। ये दोस्तों आप अपने मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप कहीं पर भी लिख सकते हैं, तो आपको पहला ही लिंक मिलेगा, मैंने इसमें डिटेल आर्टिकल लिखा है, इसी पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करते दोस्तों ए टू जेड जानकारी, चाहे ग्रामीण आवास योजना हो या शहरी आवास योजना हो, और आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अब ग्रामीण आवास योजना के लिए दोस्तों आप आवेदन कैसे करेंगे, यदि आप गांव में रहते हैं तो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन कैसे करेंगे, क्या इसका ऑनलाइन प्रोसीजर है या ऑफलाइन है, क्या प्रोसीजर है, कैसे आप आवास ले सकते हैं, कैसे इसका पूरा बेनिफिट आपको मिलेगा, तो इसके लिए मैं डिटेल आर्टिकल जो लिखा ना यहाँ पर ए टू जेड जानकारी दी है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आवास योजना का लाभ किसको मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किन लोगों के लिए आवास मिलता है। तो दोस्तों आपको आवास सिर्फ वही लोग ले सकते हैं जो भारत के नागरिक हों और उनके पास कोई भी पक्का मकान ऑलरेडी पहले से नहीं होना चाहिए और वो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हों और किसी भी सरकारी या सरकारी पद पर कार्यरत ना हो, मतलब उनके पास कोई सरकारी नौकरी वगैरह नहीं होना चाहिए, तो ये मेन पात्रता है। और इसके बाद दोस्तों मैं लास्ट में आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊँगा जिससे आप इस स्कीम का लाभ और आसानी से ले पाएंगे। तो अगर आप इसमें आवेदन करेंगे तो आपके पास दस्तावेज क्या होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स क्या होना चाहिए, वो भी मैंने यहाँ पर बता रखा है। आपके पास आधार कार्ड, जिसके भी नाम आप आवेदन करेंगे, राशन कार्ड, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ईमेल आईडी और मकान की, जो कच्चा मकान आपका है जो गिर गया उसका फ़ोटो होना चाहिए। अब अगर आप ग्रामीण आवास योजना की बात करें दोस्तों, तो इसके लिए आवेदन कैसे करना होता है, यहाँ पर देखिए मैंने दोनों मेथड बता रखे हैं, पीएम आवास योजना 2024 ग्रामीण और पीएम आवास योजना 2024 शहरी, दोनों के लिए प्रोसीजर यहाँ पर मैंने बताया है। तो मैं आपको अगर बताना चाहूँ कि आवास योजना का अगर आप लाभ लेना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले अगर ग्रामीण की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में दोस्तों ऑनलाइन आवेदन आप खुद से नहीं कर सकते, ऑनलाइन आवेदन होते हैं बट आप खुद से नहीं कर सकते हैं, मतलब कि जनसेवा केंद्र से भी नहीं करा सकते हैं। इसके लिए सचिव, जो आपका ग्राम सचिव होता है ना, सेक्रेटरी जिसे बोलते हैं, वो दोस्तों ऑनलाइन आवेदन करते हैं। तो या तो आप डायरेक्ट अपने ग्राम सचिव से कांटेक्ट करें कि हमें आवास योजना का लाभ चाहिए, तो वेरीफाई पहले करेंगे कि आप आवास लेने के लिए पात्र हैं भी या नहीं है, या आप अपने ग्राम प्रधान से भी पता कर सकते, मतलब कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे बोलिएगा कि नए आवास आने वाले हैं, सरकार ने ऐलान किया है, आप हमारे आवास के लिए आवेदन करवाएं। तो प्रधान के स्तर से भी दोस्तों सेक्रेटरी के पास ही कॉल जाएगा, मतलब कि प्रधान कांटेक्ट करेगा सेक्रेटरी को, ग्राम सचिव को, और वो आपके आवास का आवेदन कराएगा। तो ऐसे आप अगर ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो ऐसे आप आवेदन करा सकते हैं। मैं फिर से बताना चाहूँ, खुद से ऑनलाइन आवेदन करने की यहाँ पर कोई प्रक्रिया नहीं है। तो ये आवेदन ग्रामीण क्षेत्र के लिए हो गया। वही बात करें शहरी क्षेत्र से अगर आप बिलोंग करते हैं तो कैसे आवास योजना का लाभ लेंगे, तो इसके लिए दोस्तों आप ऑनलाइन आवेदन करा सकते हैं अपने किसी भी नज़दीकी जनसेवा केंद्र जा करके, या खुद से भी आवेदन किए जा सकते हैं। शहरी इसकी दोस्तों आवास योजना में आवेदन ऑनलाइन होते हैं, तो ये प्रोसेस है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऑनलाइन कैसे होगा, तो यहाँ पर दोस्तों ऑनलाइन होता ही नहीं, तो मैं क्या बताऊँगा, जो ऑफलाइन तरीका होता है वो मैंने आपको बता दिया, और यही तरीका होता है, और आप कहीं भटके नहीं। कोई आप कहेगा कि मुझे पैसे दे दो तो मैं आपका आवास में नाम चढ़ा दूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। तो सचिव के पास जाना होता, उसी के उन्हीं के पास आईडी पासवर्ड होता है, वो अपने सिस्टम में लॉगिन करके फिर आवास योजना का आवेदन करते हैं।
तो ये पूरा अपडेट था प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से संबंधित। और भी अगर आप अपडेट चाहते हैं तो आप हमारे इस आर्टिकल को एक बार ज़रूर पढ़ें, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चैनल हेल्प हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करके रखें, क्योंकि यहाँ पर आपको लगातार अपडेटेड वीडियो, नई नई जानकारी मिलती रहती है दोस्तों हमारे चैनल पर। और आप इसे सब्सक्राइब करके रखिएगा तो कहीं ना कहीं आपका बेनिफिट होने वाला है। और दोस्तों एक जो बड़ा ट्रेंडिंग इस समय चल रहा है, राशन कार्ड की KYC हो रही है, आप जल्द से जल्द करा लें KYC। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक से ज़रूर कर दें। कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जा करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।